हेलो फ्रेंड्स, राज ए सी टेक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे ये जो कैरियर का जो एसी है, इस एसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसे हम लोग जो है चेक करने के लिए जो है आए हुए थे। तो इसमें क्या हो रहा था कि इसमें जो है गैस बिल्कुल भी नहीं था। इसका कंप्रेशर और जो फ़ैन है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि गैस नहीं है। तो हम लोग जो है यहाँ पर क्या किए हैं कि इसमें जो है अभी हम लोग प्रेशर डाल के चेक करेंगे कि इसमें लीकेज जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो आप जब भी प्रेशर डालें तो वो नाइट्रोजन का ही यूज़ करें। ठीक है, लेकिन हर साइड में हम लोग नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं करा सकते हैं। इस वजह से जो है हम लोग जो है ये जो छोटा सा जो कंप्रेशर आप देख रहे हैं, ये फ्रिज का जो कंप्रेशर है, इसे आप प्रेशर देकर चेक कर सकते हैं कि कहाँ से लीकेज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि ये जो आप देख सकते हैं, ये जो रिटर्न है और एक सक्शन है और एक डिस्चार्ज है। ठीक है, तो हम लोग डिस्चार्ज वाली लाइन में ये चार्जिंग पाइप जो है वो लगाए हुए हैं। ठीक है, ये चार्जिंग पाइप हम लोग इसमें लगा दिए और ये जो चार्जिंग वाला जो लाइन है ये आपका सीधा यहाँ पे आया हुआ है, ये वाला यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो सीधा जो घड़ी अभी देख सकते हैं, प्रेशर जो है अभी जा रहा है इसमें। ठीक है, 250 प्रेशर इसमें चला गया है। और ये जो सीधी गेज से जो सीधी वाली जो लाइन निकल रही है वो आपका जा रहा है मशीन में। तो ये देखिए मशीन में जा रहा है। ठीक है ना, अब इसमें क्या है कि 250 प्रेशर चला गया है और हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ से लीकेज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है यहाँ पे से जो है थोड़ा मोड़ा जो है वो एयर निकल रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि झाग पानी से जो है वो इसमें चेक करेंगे कि कहाँ से लीकेज हुआ है। ठीक है, तो चलिए। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अभी हम लोग झाग पानी से चेक करेंगे कि कहाँ से लीकेज है। आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें देखिए इसमें जो है ऑयल आया हुआ है, ये वाला जो लाइन है इसमें ऑयल आया हुआ है। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये जो ऑयल जहाँ पे रहता है तो वहाँ पे लीकेज की संभावना जो होती है वो ज़्यादातर होती है। ठीक है, तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे लीकेज हुआ है। ठीक है, तो ये वाला लाइन जो है वो क्वार्टर का जो लाइन है वो ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग झाग पानी से चेक करेंगे कि यहाँ से लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ से लीकेज वगैरह है या नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ से थोड़ा मोड़ा जो है लीक कर रहा है, तो इसका जो कैप है वो हम लोग खोलेंगे और खोल कर देखेंगे कि कहाँ से लीकेज हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो कैप है हम लोग खोलेंगे, खोलो इसको। तो आप देख सकते हैं ये जो कैप है हम लोग खोल रहे हैं प्लस नॉच प्लस की मदद से। यहीं से जो है फ्रेंड्स जो ये जो है लीकेज हो रहा था, तो इसका मतलब अगर इससे अगर लीकेज हो रहा है, किसी ने क्या किया था कि इसको जो है डेड नट हम लोग बोलते हैं, तो डेड नट टाइट कर दिया था और टाइट करने से क्या होता है कि लीकेज जो है वो बंद हो जाता है, लेकिन इसका जो कैप है वो फट गया है। ठीक है, इसका जो कैप है वो फट चुका है। हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो वाल जो है वाल ही पूरा चेंज कर देंगे, इसका जो वाल है तो ये पूरा वाल ही हम लोग चेंज कर देंगे। और फ्रेंड्स, अगर वाल चेंज वाली वीडियो अगर आपको देखनी है तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है वो वीडियो मैंने शो कर रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा वाल है वो किस तरह से चेंज करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको जो है ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए यहीं से लीक हो रहा है। तो ये वाल्व हम लोग अभी चेंज कर देंगे। और फ्रेंड्स, ये वाल्व चेंज करने वाली वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि इसका जो मशीन जो है ये इसी का जो है वाल बल्ब जो है वो किस तरह से चेंज किया जाता है। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट के हिसाब से जो है वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।